देश भर में भैया दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन बहनों के द्वारा भाई को दूज खिलाई जाती है। अगर जिला कारागार अलीगढ़ की बात कही जाए तो जिला कारागार अलीगढ़ में भी बहनों के लिए आज के दिन विशेष व्यवस्था की गई है। अगर रविवार की बात कही जाए तो रविवार के दिन सभी मुलाकातें बंद हुआ करती है, लेकिन भैया दूज के मौके पर आज जो है जिला कारागार में बहनों की मुलाकात भाइयों से करवाई जा रही है, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ये वो मैं नजारा दिखाना चाहूंगा जहां उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के द्वारा भी बहनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। तमाम सुविधाएं जो है जलपान की वो बहनों के लिए अपराध निरोधक समिति के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला कारागार प्रशासन के द्वारा बखूबी बहनों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो कतार है कतारों के बीच जो बहनें अंदर जा रही हैं और भाइयों से मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले हम मुलाकात की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं बहनें जो उत्साहित नजर आ रही है अपने भाइयों से बातचीत करने के बाद। पहले बातचीत करेंगे और जानेंगे अम्मा किससे मुलाकात करने आई थी। भाई से। भाई से मुलाकात हो गई। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है? नहीं तो पहले कर गई, अब ज्यादा अच्छी हुई है मुलाकात। अच्छी हुई है तो कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था की अगर बात कही जाए बेटा उठी सब सही है, खान पान की व्यवस्था भी है। खान पान भी है सब सही। तो क्या कहना चाहेंगी जिला कारागार के लिए? जिला कारागार बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया वो मिल गए भैया जैसे मिलाई हो तो बहन भैया की जी। बिल्कुल अच्छी तरीके से जो मुलाकात हुई है बहनों की और कहीं ना कहीं बहन जो है उत्साहित नजर आ रही है और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमशंकर। किस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है और क्या है समिति? समिति 1938 से जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्य करती आ रही है और हमेशा बंदियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था हमारी तरफ से जगह जगह जब भी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में हम अपनी तरफ से स्वल्प आहार की, पानी की जो भी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं अपने रूप में उसको करते हैं और करते आए हैं। तो लगभग अब की बात कही जाए तो अब तक जो कितनी बहनें जो मुलाकात कर चुकी होंगी और जलपान? करीब 2500 से 3000 अभी तक हो गई है और शाम तक शायद उनकी गिनती 4000 से 4500 पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल, ये जिला कारागार का वो गेट है जहाँ पर बहनें जो है अपने भाई से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर अब भाइयों से बहनों की मुलाकात कराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। जलपान की व्यवस्था जो है बहनों के लिए लगातार जेल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अम्मा भाई से मुलाकात करने आई हैं? मेरा बेटा है। बेटे हैं आपके? तो आज के दिन रविवार है, आज इतवार है और बंद रहती है मुलाकातें, लेकिन आज भी मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगी? ये बंद रहते हैं इतवार को और आज इतवार की वजह से आ रही है मुलाकात हो रही है। कैसा लग रहा है? सही है, सही है। आपका क्या कहना है? बढ़िया लग रहा है भैया की दूज है तो जी अच्छा लग रहा है। पहले कब मुलाकात हुई थी भाई से? मैं तो भैया अभी आई नहीं थी, अभी आई हूँ, अभी आई हूँ, पहली बार आई। रविवार के दिन मुलाकात बंद रहती है लेकिन आज भाइयों से मुलाकात? हाँ, मुलाकात हो रही है। सही लग रहा है? सही लग रहा है जी। बिल्कुल, ये वो महिलाएं हैं जो लगातार अपने भाइयों से मुलाकात करने के लिए जिला कारागार अलीगढ़ पर आई हुई है। अगर बात जो है जलपान की कही जाए तो जलपान की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों की जो मुलाकात करवाई जा रही है लगातार और बातचीत करेंगे बहनों से आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ वो कहना चाह रही हैं। लगातार जो है एबीपी लाइव लगातार पड़ताल कर रहा है और बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं की मुलाकात जो बहनों से हो रही है, अब क्या कहेंगी? भाई से मुलाकात हो गई? हाँ है गई भैया। कैसी मुलाकात हुई? बढ़िया है, बढ़िया है। बहनों के लिए जलपान की व्यवस्था की जा रही है अब की बार, काफी खास उत्साह है, कैसा है? बहुत बढ़िया। किस तरीके का त्योहार मनाया आप? बहुत बढ़िया मनाया। बढ़िया, आपका क्या कहना है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। यहाँ पे खाना पीना भी आपने, सब लोग भूखे आते हैं सुबह सुबह व्रत रख के दूज खिलाने के लिए, तो अभी सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, आपका क्या कहना है? कितना मिले, बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छा सुविधा है। बहुत अच्छी सुविधा। भाई से मुलाकात हो गई? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है? 3 की। कितने दिनों बाद? 3 की। मतलब कितने दिनों बाद आज भाई से मिलने आई है? रक्षाबंधन पे से। रक्षाबंधन। कैसी व्यवस्था है जेल प्रशासन की? मैं आपका किस तरह नाम है? छोड़ी वाली रहन सवानी। मुलाकात में बाहर व्यवस्था सही कर रखी है, भीतर भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बाहर बहनों के लिए पकौड़े पकौड़े समोसे वमोसे सब व्यवस्था कर रखी है, भीतर भी सब मिठाइयाँ बिक रही हैं। हमारे अच्छे टाइम पे अच्छे टाइम अच्छी चीज जो बनी है जेल में, भीतर की मिठाई दवाई जा रही है। कौन सा त्यौहार है आज? आज भैया दूज है भैया, और
संडे भाई का मुलाकात बंद रहती है, लेकिन फिर भी मुलाकात बंद ना करवा रखी, बहन भैया तो मिलवा रहे और अच्छा टाइम दे रहे निकलवा के, अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बता रखी है। बहन से बातचीत हुई कितने दिनों बाद, बहन से बातचीत हो पाई है? बहन के बाद अब मीटर भी फोन अवेल कर रखे हैं, बहनों को फोन लगा रखा है सप्ताह में। कैसा लग रहा है बहन से मुलाकात हुई है? भैया मुलाकात कर आई है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, भीड़ है रही, बाहर लंबी लाइन लग रही। अच्छा लग रहा है। हाँ, कितने सालों से बंद है आप लोग? मेरे 7 साल है भैया जी। जेल प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। के लिए कैसा लग रहा है? आज त्यौहार है भैया दोस्त का, ऐसा लग रहा है घर जैसा माहौल नजर आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे जेल प्रशासन के लिए? जो भी करा रखा है बहुत अच्छा है, टाइम देते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, क्या आप कब से हैं यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था है जेल की, कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? मुझे यहाँ करीब करीब 8-9 महीने हो गए, और पिछला भी जो रक्षाबंधन का त्यौहार का था तब भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी हमारे साथ में, और अब भैया दूज पर भी इनकी जो व्यवस्था है वास्तविक निंदनीय करने योग्य है। करीब करीब मेरे अंदाज से, मुझे अभी यहाँ से कैदी जो गए हैं, करीब करीब मेरे अंदाज से 1 घंटे या 1.25 घंटे का टाइम खूब दे रहे हैं मिलने के लिए, बहनों के लिए, और दोस्त का बहुत ही अच्छा सिस्टम किया है उन्होंने, विशेष शानदार, इसकी मैं घोर घोर प्रशंसा करूँगा। जेल प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था। कितने समय बाद आज आप बहन से मिल रहे हैं? कितने समय बाद मिल रहे हैं बहन से आज? मैं बहन से रक्षाबंधन में मिला था, रक्षाबंधन के बाद अब और एक बीच में और मुलाकात हो रही है। घर जैसा माहौल है? हाँ, घर जैसा माहौल, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, 8-9 महीने मेरे ऐसे कट रहे हैं, मतलब घर जैसा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कैसी भी। क्या कहना चाहेंगे जेल प्रशासन? जेल प्रशासन की मैं बता दूँ आपको बात है कि जेल प्रशासन कैदी को ये न समझे बस कि केवल के यहाँ आ गए हम, क्या यहाँ आ गए तो क्या मतलब परेशानी में हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं कैसी भी। बीच बीच में सुप्रिंटेंडेंट साहब और जेलर साहब आके बहुत ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जाना सबको एक दिन, ऐसी कोई बात नहीं। किस तरीके की व्यवस्था की गई है भैया दूज को लेकर, क्या कर सकते? भाई दूज के पर्व पर आज चूंकि रविवार की स्थिति थी, तो रविवार में सामान्य रूप से कारागारों में मुलाकात के प्रतिबंधित रहती है, परंतु भैया दूज के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कारागार माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आज रविवार को भैया दूज की मुलाकात अनुमन्य की गई है जेल मैनुअल में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में, और कारागार में समस्त महिलाओं को जो है प्रवेश दिया जा रहा है अपने भाइयों के साथ भाई दूज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए, जिसके अनुक्रम में जिला कारागार अलीगढ़ में बाहर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, आंतरिक रूप से भी हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, और कारागार स्तर पर ही स्थान इत्यादि की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रबंध करते हुए कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कारागार के बाहर अपराध निरोधक समिति के माध्यम से जलपान की व्यवस्था की गई है, जिसमें बहनें बाहर सुरक्षित तरीके से जलपान करते हुए उनके समय के अनुसार अपना कारागार में प्रवेश पा रही हैं। लगभग कितने बंदियों से अब तक मुलाकात बहनों की? अभी 700 से ऊपर जो है कारागार में महिलाओं का बहनों का प्रवेश हो चुका है, और शाम 5 बजे तक ये आंकड़ा लगभग 1500 से ऊपर पहुंच जाएगा। लगभग जैसे रक्षाबंधन की अगर बात की जाए तो उस समय लगभग कितने बहनों से मुलाकात हुई थी, अब क्या आंकलन है? लगभग 2000 के ऊपर की पिछली इस बार के रक्षाबंधन पे संख्या गई थी, और लगभग वही उम्मीद यहाँ पे भी भैया दूज पे भी बन रही है। बहने लगातार भाइयों से मिलने के बाद उत्साहित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था के जो कड़े इंतजाम किए गए, तमाम जो बहने जो भाइयों से मिलकर पूरे तरीके से उत्साहित नजर आ रही है। जेल सुप्रिंटेंडेंट अलीगढ़ के द्वारा भी पूरे मामले में विस्तृत जानकारी दी, उनके द्वारा बताया गया जिस तरह से रक्षाबंधन के पर्व को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों की मुलाकात भाइयों से करवाई गई थी, अब की बार भी भैया दूज को ध्यान में रखते हुए रविवार के दिन भी ये मुलाकातें करवाई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।